हेलो एंड वेलकम टू एल एम जी एन क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्म इनपुट टाइप एट्रीब्यूट, यानी कि फॉर्म में जो अलग अलग प्रकार का एट्रीब्यूट हम लोग लगाते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेंगे। नया फोल्डर जो बनाएंगे उसका नाम रहेगा इनपुट टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट टाइप लिख देते हैं हम लोग। इनपुट टाइप एचटीएमएल लिख दिया हमें यहाँ पे और यहाँ से हम लोग कोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल हो गया, फिर इसके बाद में एचटीएमएल लिख देंगे हम लोग, फिर यहाँ पे हम लोग हेड लिख देंगे। हेड हो गया और हेड के अंदर हम लोग एक टाइटल दे देंगे। टाइटल टाइटल का नाम रहेगा फॉर्म टाइप एट्रीब्यूट। फॉर्म टाइप एट्रीब्यूट फॉर्म टाइप एट्रीब्यूट यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम, थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेंगे कि दिखाई देगा आपको। हाँ, फॉर्म टाइप का एट्रीब्यूट यहाँ पे हो गया। इसके बाद में हम लोग बॉडी लिख लेंगे। बॉडी लिख लेंगे एंड बॉडी के अंदर जो है हम लोग एक फॉर्म टैग बनाने वाले हैं, यानी कि फॉर्म टैग के अंदर हम लोग अलग अलग प्रकार का एट्रीब्यूट को चेंज करके देखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्म टैग ले लिए, फॉर्म ले लिए यहाँ पे, और फॉर्म के अंदर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे इनपुट टाइप। इनपुट इनपुट टाइप इनपुट टाइप ले लिए, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट ले लिए यहाँ पे। अब इसको हम लोग बंद कर देगा। बंद करने के लिए यहाँ पे फिर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में हम लोग नाम लिख देते हैं। मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, अभिषेक, अभिषेक लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम लोग एक सबमिट बटन ले लेते हैं। इनपुट ले लिए और टाइप ले लेंगे, इनपुट टाइप यहाँ पे सबमिट बटन, सबमिट ले लिए। अब सबमिट बटन जो है जो हम यहाँ से सेव करेंगे, तो यहाँ से हम ओपन करके देखते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने नाम वहाँ पे लिखा था वह यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सबमिट करेंगे तो ये अभिषेक ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग नाम के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, यानी वैल्यू जो डाल देते हैं हम वहाँ पे वह यहाँ पे शो होता है। ठीक है, कुछ भी लिख देंगे, सबमिट करेंगे तो सबमिट की जगह पे ये अभिषेक जो हमने लिखा था पहले वह यहाँ पे आ गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे सबमिट की जगह पे अगर दूसरा कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि गो या अपडेट, कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबमिट के बगल में वैल्यू लगा देंगे, फिर से वैल्यू लगा दिए, यहाँ पे लिख देंगे अपडेट। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे और फिर ये यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अपडेट। तो यहाँ से हमने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पे हमारा ये अपडेट करने के लिए आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेम को जो है वहाँ के स्पेलिंग को आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है कि नंबर के लिए, तो हम लोग अगर टेक्स्ट की जगह पे अगर इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया तो टेक्स्ट की जगह पे हम लोग नंबर भी इनपुट यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर, नंबर और नंबर पे लिख देते हैं कुछ भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख देते हैं। अब जो सेव कर दिए तो ये जो नंबर जो है वहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो जो हमने नंबर वहाँ पे डाला था वो जो है यहाँ पे शो हो रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पे नंबर हो गया। अब इसके बाद में फिर हम एक फॉर्म टैग ले लेते हैं,
दूसरा कुछ लिखने के लिए, या फॉर्म फॉर्म टैग ले लिए, और फॉर्म टैग के अंदर फिर हम लोग ले लेते हैं इनपुट, इनपुट ले लिए या हम कॉपी करके डाल देते हैं, ये हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर के लिए हो गया, अब यहाँ पे इसी जगह पे हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू की जगह हम लोग अगर दूसरा कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे कि हिंट देने के लिए, जैसे कि कई बार आप जो है फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको हिंट दिया गया था, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या कुछ भी, या इंटर योर नेम, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, सॉरी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर होल्डर ले लेंगे, प्लेस होल्डर, यहाँ पे प्लेस होल्डर हो गया। अब प्लेस होल्डर की जगह पे हम लोग ले लेंगे नेम, यानी कि नेम फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम सेव कर देंगे इसको। अब वहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है हमारा यहाँ पे दिखाने लगा फर्स्ट नेम, देखिए जो हमने बनाया था वो यहाँ पे फर्स्ट नेम शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम लिखा जा रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट नेम हो गया। अगर सपोज अगर कई बार हम फॉर्म फिल करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर या मोबाइल नंबर या जीमेल जो है वो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जब तक आप वो जीमेल डालेंगे नहीं तब तक ये जो है फॉर्म जो है सबमिट होगा नहीं। तो ये कैसे बनाते हैं हम लोग, ये देख लेते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग फॉर्म टैग को कॉपी कर लिए और नीचे बी टैग लगा दिए कि हमारा स्पेस हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पेस्ट कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे टेक्स्ट जगह टेक्स्ट तो हो ही गया मेरा। अब जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि कुछ सेलेक्ट करना है आपको, तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो है वो उसके लिए हम लोग स्टेप दे देंगे, यहाँ पे स्टेप हो गया, ये हमारा स्टेप स्टेप टू आ गया यहाँ पे। अब सेव कर दिए इसको। अब सेव करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है हमारा नंबर बढ़ने लग जाएगा, जैसे 1 3 5 ये कम किए और ये ज़्यादा किए तो ये जो है हमारा जो है वो दो दो नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अब दो नंबर की जगह पे यहाँ पे आप 5 या 10 नंबर भी बढ़ा सकते हैं। 10 सेव कर दिए हम, अब 10 सेव करके देखेंगे यहाँ पे तो रिफ्रेश कर दिए, अब 1 यहाँ पे है, नेक्स्ट बढ़ाएंगे हम लोग तो नेक्स्ट बढ़ाएंगे तो 11 हो गया, फिर 10 बढ़ेगा 21 हो गया, फिर 10 बढ़ेगा 31 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि हम लोग ऑटो फोकस, यानी कि जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कई बार गूगल सर्च करते हैं या किसी भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग ऑटोमेटिक जो जो लिखते हैं और सबमिट करने के बाद में वो फिर से आ जाता है, यानी कि ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वो कैसे बनाएंगे तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फॉर्म टैग को कॉपी कर लिए यहाँ से और फिर हम यहाँ से पेस्ट कर दिए और यहाँ पे हम लोग बी आर टैग लगा दिए, बी आर टैग लगा दिए यहाँ पे। और बी आर टैग लगा दिए तो यहाँ पे जो है इसके जगह पे नंबर की जगह पे हम लोग टेक्स्ट ले लेंगे, टेस्ट ले लिए, और टेस्ट ले लिए तो इसको डिलीट कर देते हैं। ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट का यहाँ पर ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऑटो कंप्लीट ले लिए, ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम यहाँ पर सेव कर दिए। अब सेव कर दिए तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम नेम अब इंटर करेंगे तो ये हट गया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर लिख दिए, फिर इंटर कर दिए तो ये समाप्त हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो फॉर्म फिल किया और ये चला गया। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म टाइप में हम लोग अलग अलग प्रकार का इनपुट टाइप लगा करके एट्रीब्यूट देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़े खुश रहे और जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू।